वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि भगा कर देखिएगा तो फिर आपको ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। वेलकम टू स्टडी 24। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 का एग्ज़ाम नोटिस आ चुका है। बहुत सारे फॉर्म में गलतियां भी हैं, उसके बारे में सुधारने का दिया गया है। और डमी एडमिट कार्ड के बारे में आप कल से यानी 16 फरवरी से आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सारा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वेबसाइट पर जाकर सारा कुछ देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पे हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले देखिएगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आईडीज एक्सेप्ट फॉर कैंडिडेट्स हु हैज़ अप्लाइड मोर देन वन टाइम। जो व्यक्ति एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर दिए थे किसी कारणवश, हो सकता है कि फॉर्म भरने में गलती कर दी गई और उसे सुधारने के बजाय वो दोबारा फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, दोबारा फॉर्म भर दिए हैं, उनका एप्लीकेशन आईडी दिया गया है। उनका क्या क्या दिया गया है मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूँ, नोटिस देख लीजिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके बारे में भी बात कर लूँगा, दोनों दोनों जो दिया गया है यहाँ पे इसके दोनों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। नोटिस डाउनलोड करने के बाद देखते हैं क्या क्या दिया गया है, क्लिक कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 2020 जो दिया गया है, चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना। तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या दिया गया है, सारा कुछ देख लीजिएगा। तो ये तो नंबर वगैरह हो गया, चलिए नंबर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अभिभावक को सूचित किया जाता है कि DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में निम्नांकित विसंगतियां पाई गई हैं, यानी कुछ जो है त्रुटि, बहुत सारे फॉर्म में गलतियां पाई गई है, तो उसके बारे में बता रहा है। चलिए देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। ये रहा पहले नंबर पे, देखेंगे क्या क्या गलतियाँ किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। देखिएगा DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के क्रम में 148 छात्र छात्रा जिनका नाम, पिता नाम, जन्म तिथि एवं संकाय में समानता तो पाया गया, परंतु संकाय एवं जाति कोटि में अलग कर दिया गया है। यानी फॉर्म भरने में बहुत सारे जो है कैंडिडेट देख सकते हैं 148 छात्र छात्रा जो है वो जाति कोटि वगैरह भरने में जो है गलती कर चुके हैं, यानी कैटेगरी वगैरह भरने में गलती कर दिए हैं, तो उनका लिस्ट दिया गया है, देखेंगे डाउनलोड करके भी उसको भी। तो सबसे पहले इस नोटिस को पूरा देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे दूसरे नंबर पे दिया गया है 186 अभ्यर्थियों के द्वारा दो बार आवेदन किया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया था बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पेमेंट तो कट गया लेकिन आवेदन पूरा नहीं हुआ, तो वो दोबारा आवेदन किए थे। तो खैर इनकी गलती नहीं है, ये वेबसाइट की गलती थी, लेकिन इनको भी मौका दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिएगा 8 अभ्यर्थी द्वारा दो बार आवेदन किया गया है परंतु लिंग अलग अलग है। तो देखिएगा कोई ऐसे भी कैंडिडेट थे 8 अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट थे, पुरुष कैंडिडेट थे, लेकिन गलती से उन्होंने फीमेल कर दिया, तो क्या कर सुधारने के बजाय उन्होंने फिर दोबारा फॉर्म भर दिया, तो उनका भी लिस्ट दिया गया है, ठीक है, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं। या फिर महिला कैंडिडेट थे और उन्होंने पुरुष करके भर दिया, तो इसी कारण से दो बार उनको आवेदन करना पड़ा था, उनका लिस्ट दिया गया है। और देखिएगा चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, 38 अभ्यर्थियों द्वारा दो संकायों के लिए अलग अलग आवेदन किए गए हैं। कितने ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलती से, जिनको भरना था आर्ट्स उन्होंने भर दिया साइंस, जिनको भरना था उर्दू उन्होंने भर दिया साइंस, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 38 है, ठीक है। लेकिन किसी का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है, देखिएगा किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया है, आपको मौका दिया गया है। देखिएगा उपयुक्त बिंदु
एक से चार तक के अभ्यर्थियों के एक से अधिक परीक्षा आवेदन पत्र में पहला आवेदन पत्र को विलोपित यानी डिलीट कर दिया गया है। जो आपने सबसे पहले आवेदन किया था और अगर उसमें कुछ भी गलती कर दी गई थी या कुछ भी हुआ था, जिन्होंने दोबारा आवेदन किया है, तो उनका पहला जो आवेदन पत्र है उसे डिलीट कर दिया गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया है। यही बहुत बड़ी बात है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, किसी का भी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ जो है दो आवेदन करने वाले के पहले आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रत्येक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया गया है, क्योंकि दो आवेदन करने वालों को एक एक डिलीट कर दिया गया है, तो एक ही बचता है। ठीक है, अब देखते हैं। सभी चार कोटि के एक आवेदन को विलोपन के बाद शेष आवेदन की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो सारा प्रॉब्लम समाप्त करने के बाद जो है, जो लिस्ट दिया गया है उसमें अगर आपका नाम है तो आप परीक्षा दे सकते हैं। अब देखिएगा, लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा डाउनलोड करके। अब देखिएगा यहाँ से क्या दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थियों का डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट www.biharboardbibind.com पर दिनांक 16/2/2020 से 21/2/2020 तक उपलब्ध रहेगा। यानी 16 फरवरी से 21 फरवरी तक आप जो है डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उक्त अवधि में सुधार कर सकते हैं। अगर आपके डमी एडमिट कार्ड में आप देखेंगे, अगर आपका कोई गलती फिर से डाल दिया गया है तो उसको सुधारने के लिए कहा गया है। ठीक है, कब सुधार सकते हैं, डेट दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखिएगा। उक्त परीक्षा से संबंधित 17 अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, उनकी सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन जो है वो परीक्षा शुल्क देना भूल गए, या किसी कारणवश नहीं जमा किए, या हो सकता है कि पैसा तो कट गया लेकिन परीक्षा समिति के पास पैसा वो नहीं पहुंचा। तो वैसे अभ्यर्थी कितने हैं, 17। ठीक है, 17 अभ्यर्थियों को देखिए क्या कहा गया है। संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 17 फरवरी से 19 फरवरी 2020 तक अपना बकाया परीक्षा शुल्क पूर्व की भांति ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उनका अंतिम प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। तो अगर आप आवेदन फीस जमा करना चाहते हैं तो 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच में आप अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, तभी आपको लास्ट में एडमिट कार्ड जो है, फाइनल एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए लिस्ट वगैरह जो है देख लेते हैं, जिनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उनका ये लिस्ट है। देखिएगा, इस लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड करेंगे क्लिक करके। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये डाउनलोडिंग पे मैंने लगा दिया, देखिए डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे इस लिस्ट को आप देखिएगा, इसमें मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपका जो है नाम है या नहीं। एप्लीकेशन आईडी से देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर जो आपका है उसी से आप मिला सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने दो आवेदन किया था, देखिए डिलीटेड एप्लीकेशन नंबर इनका ये है, जो आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया यानी डिलीट कर दिया गया वो आवेदन संख्या इधर है, और जो फाइनली आपका आवेदन बचा है, जिन्होंने दो आवेदन कर दिया था उनका ये देखिए, ये पहले सेकेंड वाला बच गया है और फर्स्ट वाला को डिलीट कर दिया गया है। तो आपके पास सिर्फ एक ही आवेदन बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से देख लीजिएगा अपना अपना, जिन्होंने दो बार आवेदन किया था। ठीक है, ये तो रहा आपका दो बार जिन्होंने आवेदन किया था उनका लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं, जो जिन्होंने एप्लीकेशन फीस तो भर दिया लेकिन जो परीक्षा शुल्क है वो नहीं जमा किए हैं, उनका लिस्ट ये रहा। तो इसे भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से व्यक्ति थे। तो ये छोटा सा लिस्ट है तो पढ़ ही देता हूँ। देखिएगा, रजनीश कुमार चंदन, फादर नेम है सतीश चंद्रा, और साक्षी कुमारी, अनिल कुमार, चंदा कुमारी, विद्यानंद रॉय, सेजल कुमारी, श्रवण कुमार,
लूसी कुमारी प्रदीप प्रसाद शाह, और सुधा कुमारी बिंदा शर्मा, और आकाश कुमार विश्वनाथ प्रसाद, और संतोष कुमार महेंद्र मंडल, और महाराज कुमार, और ये फादर का नेम हो गया मोहन भगत। उसके बाद है मुकेश कुमार यादव, और फादर नेम है सुदीश प्रसाद यादव। रमेश कुमार राम उधागर मंडल, और कुंदन पासवान इंद्रदेव पासवान, सपना कुमारी श्याम किशोर यादव, पूजा कुमारी जगन्नाथ काजी, रिंकू कुमारी इंदु मिस्त्री, और राम बाबू पासवान अरुण पासवान, सोनू कुमार और राम नरेश ठाकुर। इसी प्रकार से ये नाम तो हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, जिन जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन परीक्षा फीस जमा नहीं किए हैं, तो जमा करने का डेट दे दिया गया है, आप लोग जमा कर सकते हैं। तो ये तीनों का तीनों तो हो गया, अब चलते हैं और नीचे ले चलता हूँ मैं आपको, दिखाने देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड फॉर DLED ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2020, 16 फरवरी 2020 को 10 बजे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो लिंक अभी नहीं दिया गया है, लिंक जैसे ही देगा डमी एडमिट कार्ड का, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डमी एडमिट कार्ड आपका 16 फरवरी 2020 से 10 बजे से आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो मैं आपको वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक भी आप देख सकते हैं। तो ये आप टाइप कर सकते हैं बिहार बोर्ड विविध.com, यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है DLED का, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं तो, ऐसे तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।